गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है वो बेसिकली मशीन्स के नाम से जानी जाती है, ठीक। और जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्सेस पर वर्क करती है, ठीक। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो होता है वो एक तरीके का एनर्जी कन्वर्टर्स होता है। वो क्या एनर्जी कन्वर्टर का मतलब होता है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक। जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कन्वर्जन कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज वन डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम विच इज कन्वर्ट एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। तो अब एनर्जी को कन्वर्ज करना है, ठीक, तो उसके लिए हम मशीन को का यूज करते हैं। इफ वी कॉल्ड अ जनरेटर, अगर हम किसी चीज को जनरेटर कहें, दैट मीन्स वी यूज और कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में किसी चीज़ को जनरेटर कह रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। नेक्स्ट होता है, इफ वी कॉल्ड अ मोटर, दैट मीन्स वी यूज और कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। अगर हम किसी चीज़ को मोटर के नाम मोटर कह रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि हम किसी भी सिस्टम को या डिवाइस को अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं और हमें आउटपुट किसके फॉर्म में मिल रहा है, मैकेनिकल के फॉर्म में मिल रहा है, तो वो कहलाएगा मोटर। और अगर हम किसी को मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, जैसे कि प्राइम मूवर से हम उसको हैंडल से या किसी चीज़ से फोर्स से घुमा रहे हैं, प्राइम मूवर हो गया, फोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, घुमा रहे हैं और हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक, तो हम उसको क्या कहेंगे, एज अ जनरेटर, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ अ इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन हमारी क्या होती है, दो भागों में डिवाइड की जाती है। एक होता है स्टैटिक डिवाइस और मशीन, दूसरा होता है रोटेटिंग
डिवाइस और मशीन। ठीक, अब स्टैटिक डिवाइस, यानी स्टैटिक डिवाइस का मतलब ऐसी मशीन जिसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं हो, फिर भी वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहा हो या ट्रांसफ़र कर रहा हो। ठीक, फॉर स्टैटिक डिवाइस में हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत एक ही मशीन होती है, वो होती है ट्रांसफार्मर। ठीक, अब ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसको स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, फिर भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसफ़र करता है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका रोटेटिंग डिवाइस और मशीन, यानी ऐसी मशीन जिसमें कोई मूविंग पार्ट हो और वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हो, उसे कहते हैं रोटेटिंग डिवाइस और या मशीन या रोटेटिंग मशीन। ठीक, अब रोटेटिंग मशीन्स को क्लासिफाई किया गया कितने में? थ्री टाइप्स में। पहला होता है डीसी मशीन, फर्स्ट क्या है? डीसी मशीन। ठीक, ऐसी मशीन जो अल्टरनेटिंग जो डायरेक्ट करंट सप्लाई से चलती हो और जिसमें एक स्पेशल डिवाइस दैट इज नोन एज अ कम्यूटेटर लगा हो, उसे हम डीसी मशीन कहते हैं। क्योंकि कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। ठीक, अब डीसी मशीन में डीसी मोटर भी होता है और डीसी जनरेटर भी होता है, यानी मोटर और जनरेटर दोनों आते हैं। दूसरा जो होता है आपका सिंक्रोनस मशीन, दूसरा होता है आपका सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस में अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दो तरीके की होती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो बेसिकली लार्ज मशीन्स होती है एंड दीज आर यूज्ड इन अ पावर प्लांट, बेसिकली पावर प्लांटों में यूज की जाती है। ठीक, इसमें आपका कैटेगरी होता है अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। ठीक, ये आपकी बेसिकली क्या होती है? एसी मशीन। एंड थर्ड क्लासिफाइड किया जाता है आपका इंडक्शन मशीन्स। ठीक, इंडक्शन मशीन्स। ठीक, इंडक्शन मशीन्स बेसिकली एसी एन एसी मशीन्स होती है जो अल्टरनेटिंग सप्लाई से ऑपरेट होती है। समझे? तो एसी इसमें आपका सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों मशीनें आती हैं। तो ये बेसिकली आपका टोटल क्लासिफिकेशन हुआ इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो मशीन बेसिकली दो टाइप की होती है, स्टैटिक और रोटेटिंग। स्टैटिक में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। रोटेटिंग में तीन तरीके क्लासिफिकेशन होता है, एक डीसी मशीन, दूसरा सिंक्रोनस मशीन और तीसरा इंडक्शन मशीन। ठीक, अब इनका जो क्लासिफाई हो गया। ठीक, थैंक यू।